अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरे के सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज थर्सडे, आज बहुत काम है भाई। आज हमने निकलना था लाहौर के लिए। ईद है आगे, तो हम दो दिन पहले जाने, क्योंकि बिल्कुल लास्ट डे पे जाओ ना तो फिर कुर्बानी नहीं मजेदार मिलती। तो उसके बाद ना मैंने अपना ये कर लिया था मशीन का काम। सबसे पहले मैंने कहा मैं वो खत्म कर लूँ। ये बच्चों की शर्ट्स आ गई थी, ये अली की तो बहुत ही प्यारी बनाई थी, मगर छोट बड़ों की ना उसने ना बहुत ख़राब कर दी थी। मैंने कहा चलो अब मजबूरी है बनाने। उसके बाद अपनी कुछ कमीज़ों की मैंने फिटिंग लगानी थी, मैंने वो की। तो ये भी मैं आपको एक प्रो टिप शेयर करने लगी, कहीं ट्रैवल पे जाए ना तो अब अपने हस्बैंड के कपड़े जाना वो प्रेस करके लेके जाए, अभी बहुत आसानी हो रही थी, अभी सुकून हो रहा था। लाइट लिखी थी यहाँ पे। अब तो ये है ना, मैं अब पैकिंग करना मैंने स्टार्ट कर दी थी, बैग पैक करी थी। पैकिंग ना मैं 3 स्टेप में करती हूँ, ठीक है। पहले मैं करती हूँ चीकू की, उसके बाद मैं करती हूँ बड़ों की, बच्चों की, और उसके बाद मैं करती हूँ अपने और अपने हस्बैंड की। तो सबसे पहले ना ये चीकू का बैग फुल रेडी हो चुका था, उसका कपड़े सब मैंने एडजस्ट किए थे, नैपकिन वगैरह सब कुछ। और ये उसका ट्रैवल बैग भी रेडी हो चुका था बिल्कुल। इसमें भी मैंने 1 से 2 ड्रेसेस रखे थे उसके, उसके अलावा उसकी वाटर बॉटल है साथ, उसका फीडर है, और ना उसका पैम्पर वाइप्स वगैरह वो सब मैंने इसमें ना एडजस्ट कर लिया था। और बस अब इसमें ना मैंने उसके बाद ये, अच्छा ये मैंने उसका एक बेबी बैग नया बाइक कहते थे, मैं कल ना बाजार गई थी तो बाजार से मैं ये चीज़ें खरीद के ना लेके आई थी। ये इसका बेबी बैग लिया था मैंने एक नया, तो ये मैंने कहा था मैं ना लाहौर जाके यूज़ करूँगी, फिलहाल अब मैं ना वही वाला इस्तेमाल करूँगी अपना बैग, ठीक है। क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी इसकी। अच्छा तो एक मैंने ना इसकी चीकू की पैंट ली थी, जो शर्ट्स थी ना वो मुझे कोई खास नहीं थी लगी, शर्ट अच्छी थी बट साइज़ नहीं था अली अदर का ना, इसलिए फिर मैंने जिस थी सिर्फ और सिर्फ एक पैंट ले ली थी उसकी। मैंने कहा चलो मैं ना लाहौर जाके ना तो फिर देख लूँगी। फिर उसके बाद ना मैंने ये एक ना चीकू के लिए मैंने बैकपैक भी लिया था, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी थी और प्राइस इतनी रिजनेबल कि बस ये मुझे ना जब मुझे मिला ना तो फिर मैंने कहा भाई ये तो मैंने लेना ही लेना है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी इसकी 10/10। और उसके अलावा मैंने उसका ये लिया था कि रेड ड्रेस, और इसके साथ भी ना जीन्स की पैंट थी, एक ड्रेस मैंने ले लिया था, और एक मैंने शॉर्ट्स उसकी लेनी थी कि मैं जाकर ना फिर देखूँगी कुछ समझ लगी। अच्छा ये अब ना चीकू की पैकिंग होगी पूरी, उसके बाद ये बड़ों बच्चों की भी सारी पैकिंग पूरी हो गई, ये सब ऐसे, ये अब साइड पे जो स्पेस है ना इसमें कुछ छोटी मोटी जो एक्सेसरीज वगैरह होंगी वो डाल जाएंगी। अच्छा तो मैं बाजार गई थी ना तो मैंने अपने लिए ना ये बाइक किया था, छोटा मिनी बैग था ये, पैसे वगैरह रखने के लिए मिनी वॉलेट था, और इसके ना क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और ये ना 3 इंच के कंपार्टमेंट्स बने थे, 3 पॉकेट्स बनी थी ना, एक वो बड़ी वाली थी कैश रखने के लिए, और एक ये थी छोटी पॉकेट भी थी, और इससे आगे भी एक पीछे पॉकेट थी ये क्रेडिट कार्ड वगैरह रखने के लिए। अभी एक हाथ से ना बहुत खुल नहीं रहा था, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। इसके अलावा मैंने अपना एक ये फिर हैंडबैग लिया था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये मिल गया था। पाउडर पिंक इसका कलर है, बिल्कुल लाइट सा कोरलिश मिक्स पाउडर पिंक कलर है इसका, और बहुत ही डिसेंट चीज़ है ये। मैं ना इसको आपको थोड़ा सा ना निकाल के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कुछ कैसे बिल्कुल सिंपल है। आजकल ना इस तरह के बैग बहुत चल रहे हैं, ये ना फुल लेदर पैटर्न में इसका मटेरियल था, बहुत ही आला चीज़ थी, बहुत ही आला चीज़ थी। ये देखें ऐसे कुछ ऐसे ये ना अंदर से है, जिप वगैरह सब कुछ, मतलब बहुत ही मुझे ना पहली नज़र में ये पसंद आ गया था। अच्छा उसके बाद ना जब आप ट्रैवल करना तो आप अपने बच्चों की मेडिसिन रखना ना बोले पेट की ख़ास तौर पे, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते ना तो हवा पानी चेंज होता ना तो बच्चों का फिर पेट ना अफेक्ट होता है। अच्छा उसके अलावा ना ये भी एक प्रो टिप ही है, जब भी ट्रैवल करें सुई धागा कैंची और निकटे लाजमी लेके जाए साथ। अब ये मैंने अब अपने कपड़े सारे रख लिए थे बैग में, और एक ड्रेस जो था ना वो मैंने अपना पहनने के लिए ना सेपरेट कर लिया था, ठीक है जी। उसके बाद जो है तो अब बारी आ जाती है अपना मेकअप रखने की। तो ये है ना, अब मैं जो ग्लास खिला था ना मेरे चीकू ने बड़ी तबाह की थी। अच्छा मैंने ना ये मेबलिन की सुपर स्टे फाउंडेशन निकाली थी एक, और फिर एक मैंने मिस्ट्रेस की फाउंडेशन निकाली थी, और उसके साथ ना एक मैंने अपनी रखी ये फिटमी की फाउंडेशन, ठीक है, क्योंकि वेदर आपको पता है कभी आप अप्स एंड डाउन वेदर में होते रहते हो, और इसी तरह से आपकी स्किन भी रिएक्ट करती रहती है। और वैसे भी जब और फिर ना मतलब के पास चीज़ हो तो बंदा फिर क्यों ना लेके जाए भाई, ठीक है। अच्छा मैंने अब ये लशियस की कॉन्ट्रोल किट थी वो निकाल ली है, रेवोल्यूशन का हार्ट पैलेट था, हाइलाइटर ये मैंने निकाला, ये रेवोल्यूशन का ही पाउडर है बहुत ही कमाल फेस पैक का ये मैंने निकाला, और ये लूज पाउडर भी रेवोल्यूशन का मैंने ना रखा मैं अपने साथ थोड़ा सा, क्योंकि हमें है डाउट
हॉस्पिटल के कोई फंक्शन भी आ सकता है तो इसलिए लाहौर जाता है, कभी कहीं कोई ना कोई काम होता है तो इसलिए फिर मैं अपनी सब चीज़ें साथ लेके जाती हूँ। अच्छा ये ना आप इंग्लोड का ड्यूरालिन था और ये इंग्लोड का ही लाइनर था, जो मैंने दोनों चीज़ें ना मैं साथ लेके जाऊँगी। अच्छा उसके अलावा ना यहाँ पे मैं अब देख रही थी मुझे और क्या क्या चाहिए, जो जो चीज़ मेरे मैच में निकाली थी। अच्छा ये मैंने अब लैश कलर भी निकाल लिया, उसके बाद अब मैं देखती हूँ क्या। अच्छा एक बीबी क्रीम तो मस्ट है अभी विंटर के लिए, समर के लिए बीबी क्रीम के बगैर बड़ा हम जा सकते हैं। अब मैंने निकालने के कंसीलर तो अच्छा मैंने यहाँ पे ना अब ये मेबलिन का एजमेंट निकाला है फुल कवरेज के लिए, और जब मुझे लाइट कवरेज चाहिए होगी ना तो फिर मैं अपना ना अच्छा ये ना मैंने यहाँ पर F12 ये रेवोल्यूशन की स्टिक थी जो मैं काउंटर के लिए यूज़ करती हूँ, मैंने ये निकाली। उसके बाद ना अब मैंने ना ये निकाला प्राइमर और ये मेबलिन का वो क्या कहते हैं इसको मुझे नाम भूल गया, अब ये मेबलिन का मस्कारा था मैंने ये अपना निकाला साथ उसके, और ये मैंने आई प्राइमर भी निकाला। और ये जब मुझे लाइट कवरेज चाहिए होती है ना तो फिर मैं ये मिस्टर उसका कंसीलर यूज़ करती हूँ, बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्राइस के लिहाज से भी और वैसे भी। अच्छा ये ना भी ये भी फाउंडेशन मैंने मिस्टरोज की है, ये निकाली थी, पता नहीं मैंने साथ रखी थी कि नहीं रखी थी, मेरा ख्याल है। अच्छा ये ब्लैक पेंसिल थी मेबलिन की जो मैंने पहले दिखाई है, और ना अच्छा मेरा फोकस ज़्यादा इस टाइम चीज़ों पे था तो इसलिए कैमरे का थोड़ा बहुत आगे पीछे एंगल होगा ना, तो प्लीज़ मुझे ना आप सॉरी भाई मेरी तरफ से। अच्छा तो अब ये ना मैंने दो करेक्टर निकाले थे, एक एले गर्ल का और एक ये क्रैलोन का। उसके बाद ना अब ये पेंसिल्स मैंने निकाली, ये है मेरे ब्राउ प्रोटेक्शन ब्लशेस के तीनों पेंसिल है, पोमेड है और टिंट है, और ये आउटलाइंस निकालनी है। आउटलाइंस आपको ना सबसे ज़्यादा जो है वो चाहिए, एक आपको मेहरून चाहिए होती है, एक डार्क ब्राउन चाहिए होती है, और एक आपको रेड चाहिए होती है, जो से आपके टोटल शेड्स बन जाते हैं। और ये मैंने लिपस्टिक्स निकाली, लिपस्टिक्स मैंने ज़्यादा न्यूड्स में ही निकाली, ज़्यादा डार्क्स में नहीं निकालनी। ये चार पाँच ना न्यूड्स के कलर, न्यूड पिंक्स और न्यूड कोरल्स इस तरह के ना ये शेड्स हैं सब। हल्का हल्का मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ साथ साथ थोड़ा थोड़ा। अच्छा तो अब ना मुझे इनके नाम नहीं अब याद, ठीक है ये है कलर इंस्टीट्यूट की लिपस्टिक थी, और ये ना मैंने लोकल मार्केट से ये वाली दोनों ली थी, जो जिनकी सेम पैकिंग है ना ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी, मगर बहुत कंफर्टेबल हैं और बहुत मैट और लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा ये अब क्रिस्टन की लिपस्टिक्स हैं, ये ना कोरल है और मैंने इसको ना किसी पिंक के साथ ना मिक्स किया हुआ था सा, जैसे ऊपर आपको शेड थोड़ा लगा हुआ नज़र आ रहा है। और अच्छा मैंने ना एक ये रेड पिंक और न्यूड कलर ना मैंने ये लिक्विड लिपस्टिक्स में भी रखे थे। मेकअप तकरीबन सारा कवर हो चुका था तो अब बारी आ गई थी ब्रशेज़ की। ब्रशेज़ में ना ये पाँच छः फेस ब्रशेज़ हैं और तीन चार जो है ना आई शेड ब्रशेज़ हैं। ये मेकअप फिक्सर मैंने रखा, और ये निविया सॉफ्ट क्रीम है ना ये मैं मेकअप के नीचे मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ करती हूँ, जब मैं मेकअप करती हूँ ना तब मैं ये यूज़ करती हूँ, ज़्यादा बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ये एक पिगमेंट मैंने रखा था, और ये ना अब जो है हमारी हाइजीन की बात आती है तो ये लेडी स्पीड क्विक का डिओड्रेंट और एक फोक का डिओड्रेंट बहुत ही ऑसम। ये बच्चों की परफ्यूम एक रखी थी मैंने, ये ऊपर लड़की बनी है बट इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, बहुत ही रिफ्रेशिंग और फ्रूटी फ्रूटी फ्रेगरेंस है। और ये नेक्स्ट टन की ना चीकू की फ्रेगरेंस है, और ये भी बहुत ही अच्छी ना फ्रेश फ्रेगरेंस है, ये मैं बड़े बच्चों को भी यूज़ कर लेती हूँ और चीकू को भी। अब ये इनके पापा का जो है ना परफ्यूम्स का जो बैग था ये रेडी हो रहा था, इसमें मैंने इनकी एक तिलकुटपुली रखी थी और ये बच्चों की साइड पर सेटल कर दी थी, और एक मैंने उनकी ऊद रखी और एक फिर मैंने ना अपनी जो है वो रखी ये बोनांज़ा वनीला रखी, और फिर मैंने ना उनकी एक ब्यूटी परफ्यूम भी रख ली थी ये स्टॉम वाली, मैंने उनको पूछ लिया था उन्होंने कहा चलो स्टॉम वाली रख दो, तो फिर ना मैंने उनकी एक परफ्यूम रख ली स्टॉम बॉडी स्प्रे ताकि वो यूज़ कर सके। डिओड्रेंट मैंने अपने इसमें नहीं रखी क्योंकि डिओड्रेंट तो ज़्यादा मतलब यूज़ थे वो मैंने अपने स्किन केयर वाली चीज़ों के साथ रखे, और एक ये जो टेस्ट है ना ये मैं अपने हैंड बैग में रखूँगी ऐड करूँगी अपने हैंड बैग में, ठीक है जी। उसके बाद अब मेकअप तकरीबन कवर हो चुका है। वो अच्छा उधर ना मैंने ब्रशेस के साथ ब्यूटी ब्लेंडर्स भी अपने रखे थे दो। अब बारी आती है नेल ब्रशेस की, तो ये दो नेल कलर मैंने निकाले, पिंक है और एक स्किन है जो सब के साथ चल जाता है, ठीक है। उसके अलावा अभी एक टॉप कोट मैंने निकाला है, तो अब ना मैं साथ साथ सोच रही थी कि भाई कौन से निकालूँ, और एक मैंने फिर ये मेहरून निकाली प्रीटी फ्लोरा प्रीटी की डीप बर्गंडी इसका नाम लिखा हुआ, बट ये बहुत ही अच्छी है। और वैसे मेहरून जो मेहरून ब्रश आपको पता सबके साथ ही चल जाती है। अच्छा ये ना मैंने अब दिखा रही थी आपको मगर मैंने ये रखी नहीं थी, ये वाली मैंने रखी थी मैं डोरा की, पिछले दिन मैंने लगाई थी ना तो मुझे ना बहुत प्यारी लग रही थी अपने हाथों पर समय, इसलिए फिर मैंने इसको रखा था कि ये लगाई होगी अगर मैं नहीं भी चेंज कर पाऊँगी ना तो ये तो
मतलब तकरीबन सबके ड्रेसेस के साथ ही चली जाएगी। मैं साथ साथ अपने जहन में सोच रही मैं ड्रेसेस का कलर और उसके हिसाब से ना मैं अपनी ना जो है नेल पॉलिश ना मैं वो निकाल रही थी। उसके बाद ना मैंने ये वाली ये मैंने रखी थी ग्लिटरी ना, ये बहुत ही प्यारा कलर था ग्लिटरी मैंने रखा था। ये ग्रे वाली जो निकाली ना ये भी मैंने रखी थी, ग्रे और स्कैग मिक्स थी, तो मैंने ना ये अपने वो बिल रियास वाले ड्रेस के साथ रखी थी कि जब मैं उसको पहनूंगी ना फिर मैं यूज़ करूँगी। और उस बिल रियास वाले ड्रेस के साथ ही मैंने ये वाइट मैंने कहा था ये ग्रे और इसको मिक्स करके लगाऊंगी वाइट ग्लिटर को, तो बहुत प्यारा ना मेरा ड्रेस में बिल्कुल मैच शेड बन जाएगा। अच्छा तो ये जो कलर मैं दिखाई थी ना ये बहुत आउटस्टैंडिंग है जेनी का, इसे ना हाथ बड़े गोरे लगते हैं। अच्छा उसके बाद अब ये जो सब नेल पॉलिश है ना ये मैंने अपने रखने के लिए निकाल ली थी साथ जाने के लिए। स्किन केयर में ना मैंने ये फ्रीमैन का मास्क रखा था और वो हॉलीवुड का, और ये दो मैंने हॉलीवुड के मास्क रखे थे और हिमानी का रोज़ वाटर। अच्छा बैग जो था ना वो मेरी टोटल पैक हो चुके थे, अब बिल्कुल हमारे निकलेगी निकलने की तैयारी थी। मेरे हस्बैंड ना गाड़ी लेने चले गए थे, ठीक है। ये मेरा बैग, चीकू का बैग, बच्चों का बैग सब रेडी था। अब हैंड बैग में ना मैंने अपनी स्किन केयर रख ली थी, ये मैंने रखी थी अपना रोज जेल का मॉइस्चराइजर, ठीक है। और ये मैंने अपनी आई क्रीम रख ली थी, एम के कॉस्मेटिक्स का अंडर आई रेडियंस आई क्रीम, और मैंने अपना एम के कॉस्मेटिक का ही ये सीरम। अच्छा ये मैंने ना निविया सॉफ्ट पहले मैंने आपको दिखा चुकी हूँ, ये मेकअप के नीचे ना ये बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं करती है। ये मैंने अपनी लिप बाम रखी थी और ये एम के कॉस्मेटिक का जो सीरम था ना मैंने ये रख लिया। अपनी स्किन केयर जो थी ना रेगुलर वो मैंने ना अपने हैंड बैग में ही रख ली थी, और दूसरी साइड पे ना मैंने ये एक कुछ टूथपिक्स थी और मेरे पास, और ना ये सनी प्लास जो मैंने रख लिया था कि कोई भी एमरजेंसी के टाइम यूज़ बंदा कर सकता है। और दूसरी तरफ जो है ना मैंने इसमें ना ये मेरा नेल फाइलर मैंने रखा हुआ था बस ये। और अच्छा ये छोटी पॉकेट में मैंने कुछ हेयर पिंस रखी थी अपनी एक्स्ट्रा, और जो टेस्टर था ना वो मैंने अपना ना हैंड बैग में रख लिया था, और अपनी मैंने तस्वीर रख ली थी कि बंदा ना रुतू करके कुछ पढ़ता रहता है। उसके अलावा बस यही था मेरे पास में, और ना बस अब हम मैं जाने के लिए तैयार थी। चप्पल मैंने अपनी पहन ली थी, चप्पल मैंने स्टाइलर से बाय की थी छोटी ब्लॉक में, तो ये हम निकल गए थे। तो अच्छा ये था छोटा सा मेरा ब्लॉक, मेरी पैकिंग का। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है, कि वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।